A very happy morning, friends, with this beautiful morning glory, hibiscus, oriander, white kaner, जिसे हम कहते हैं, and my beautiful rajnigandha. आप इसकी beauty देखिए और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ close to nature में. वाइट कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर्स और नीचे से भी इतना बशी और बहुत खूबसूरत लगता है. और इसके अंदर से ऐसे तीन, ये तीन निकले हुए हैं, कितने भी स्टॉक्स ऐसे निकल कर आ जाते हैं. इन्हीं दोनों यानी कि अगस्त सितंबर में ये खिलते हैं. इनके लिए वेट काफ़ी करना पड़ता है. इनका जब हम वेट करते हैं, इवन जब ये फ्लावर्स नहीं खिलते और अचानक ही निकल आते हैं, इसमें इस तरह से जब ये स्टिक्स निकलती हैं तो पता चल जाता है कि अब खिलने वाले हैं. और ये देखिए, मेरा तो कंटेनर भी कितना ये प्लास्टिक की जो एक सिंपल डिब्बे होते हैं किराना स्टोर में जिसमें सामान वो लोग अपना रखते हैं, वो है. उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर पेंट किया और नीचे से छोड़ा हुआ है. छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा फिर भी अच्छा लगता है. इसमें रखे हुए हैं ये, और इसी के अंदर ही इसको 2-3 साल हो गए. इससे मैं निकाल कर और बहुत सारी जगह लगा लिया. जैसे मैंने इसमें लगाया था अभी 1 मंथ पहले, दो तरफ रियो और बीच में रजनीगंधा, लेकिन इसमें से निकल कर ये देखिए एक और इसमें से बिग स्टॉक निकलाया. तो देखिए, इतने छोटे से प्लांटर, यानी कि इसको कोई मिट्टी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसके अलावा मैंने एक दो जगह और लगाया है, बहुत ही आसान है. देखिए इसको मैं आपको दिखाऊं पास से. ये इसकी बल्ब होते हैं, जैसे रेन लिली के होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह के बल्ब होते हैं. इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से और कहीं पर भी लगा लो. इसको अगर हम अपने गार्डन में एक बार ले आए, अब ये फ्लावर देगा, उसके बाद में ऐसा ही पूरे साल ऐसे ही रहेगा. थोड़ी सी इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और जब भी टाइम आएगा ये फिर से अपने आप ग्रो हो जाएगा. देखिए, दूसरा मैंने इसमें लगाया था, इधर पुदीना भी है इसमें, और इसमें भी कितने अच्छे से चल रहा है. ऐसे इसकी बल्ब है और ये धीरे धीरे मल्टीपल होते रहेंगे और इसको पूरे को कवर कर लेंगे. और बहुत सुंदर इसका ग्रीन कलर होता है और बहुत ही सुंदर फ्लावर है ये. ये मेरे पास लगभग 10-15 साल से है. एक बार एक बल्ब कहीं से मिल जाए, उसी से ही मल्टीपल, जो रेन लिली का प्रोसेस है वही है इसका भी, लेकिन इसका जो फ्लावर है लॉन्ग लास्टिंग होता है. ये काफ़ी टाइम तक चलेगा ऐसे ही स्टिक. ये काफ़ी दिन से, 10-15 दिन से तो ये हैं, और इसकी खुशबू इतनी है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा जो इसकी क्वालिटी है ना, वो इसकी खुशबू है रजनीगंधा की. बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर. मुझे तो इस समय बहुत, आज ही ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है, वरना 5-10 मिनट का समय तो मैं सुबह देती हूँ, शाम को भी थोड़ा बहुत देती हूँ, लेकिन आज संडे है, आज मैं अच्छे से समय दे पा रही हूँ. बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. आई होप आपको पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने गार्डन में ऐड करिए और सुंदरता खुशबू दोनों ही फैलाइए. चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लगे, फूल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने कर ही लिया होगा. मिलते हैं फिर. कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, बाय.